अगली खबर विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर है। आपको बता दें, शुक्रवार की सुबह दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान आगे जाने की होड़ में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। इस दौरान युवकों ने डीजे में तोड़फोड़ की और हथियार लहराए। बाद में दोनों पक्षों ने कोतवाली थाने में शिकायत की। इस पर पुलिस ने एक दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की दोपहर आरोपियों का जुलूस निकाल कर न्यायालय में पेश किया गया। गुरुवार की शाम से शहर के अलग अलग दुर्गा पंडालों में विराजित माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। इसके लिए शाम से ही शहर की सड़कों में भीड़ थी। शुक्रवार की सुबह तक यह भीड़ बनी रही। इसी बीच सदर बाजार में आगे जाने की होड़ में दो पक्ष के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्ष की ओर से पथराव शुरू कर दिया गया। भीड़ के बीच हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। वहीं युवकों ने डीजे और विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल झांकी के वाहन में भी तोड़फोड़ की। बाद में दोनों पक्षों के लोगों ने थाने नामजद शिकायत की। इस बीच घटना के कई वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित होने लगे। इसकी जाँच के बाद पुलिस ने एक दर्जन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा और मारपीट समेत विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। पुलिस ने शनिवार की दोपहर दोनों पक्ष के युवकों को पैदल न्यायालय तक लेकर गई। युवकों को उसी बाजार के बीच से ले जाया गया जहां पर उन्होंने बदमाशी की थी। घटना के दौरान कुछ युवकों के हाथ में तलवार समेत अन्य हथियार भी थे। इसकी जानकारी होने पर SP माथुर ने कोतवाली थाना प्रभारी भारती मरकाम को वीडियो की जांच के निर्देश दिए हैं। युवकों के हाथ में हथियार की जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं घटना में शामिल हुए अन्य युवकों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।